अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रियल रिएक्शन। तो गाइस, जैसे कि आज हमारे पास जो वीडियो आई है बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, जैसा कि आपने एक नाम सुना हुआ आतफ असलम, पाकिस्तानी सिंगिंग की दुनिया का बेताज बादशाह, ठीक है। और उसको पाकिस्तान में भी उतना ही फेम है जितना बांग्लादेश में मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल, लास्ट टाइम आतफ असलम बांग्लादेश गया था और बांग्लादेश के लोग प्यार देने वाले हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली गर्मी पड़ रही है पर फिर भी आतिफ असलम को सुनने के लिए लोग गए। बिल्कुल, आतफ यार उसकी आवाज ही बहुत प्यारी है, ठीक है। मतलब बांग्लादेश में भी उसको चाहने वाले प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, ठीक है। नहीं, अभी वापस आ गया आतिफ असलम, वापस आ गया, वापस आ गया, मतलब वो उनका ये उनकी लाइव परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, चलो देखते हैं यार, और देखते हैं बांग्लादेशी लोगों का इजहार प्यार, बांग्लादेश के लोग जो है आतिफ असलम के बारे में क्या कहते हैं। আমার ফেভারিট আতিফের অনেক গানই আছে এবং শো ওয়াজ আতিফ পারফরমেন্স ইজ গুড, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে শোর মাঝখানে যে ব্রেকগুলো ছিল, মানে একটা আর্টিস্টের পর একটা আর্টিস্টের অনেক লম্বা ব্রেক ছিল, এটা মানুষকে টায়ার্ড করছে। কারণ গরমের দিন মানুষের এখানে মানে পানি শেষ, সবাই টায়ার্ড হচ্ছে, শুধুমাত্র ভালো মিউজিক শোনার আশায় মানুষ এখন ছিল। শো ওয়াজ ভাই তিনি প্রায় দুই ঘন্টার মতো পারফর্ম করেছেন। আচ্ছা, আপনার ফেভারিট গান কোনটা? আদান গানটা উনি গেয়েছেন আর আপনারা হচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, আপনারা কি চান যে আতিফ আবার আসুক? বাট আইসিসিবিতে তো আসলে আজকে যে পরিমাণ দর্শক, এই পরিমাণ দর্শক তো আসলে আইসিসিবির কোথাও আসলে ম্যানেজ করা পসিবল না। এত গ্যাদারিং যে আমি বসে গেছি। একটু ভালো ছিল না, খুব মিস ম্যানেজমেন্ট ছিল, মানে আমার ওদের ব্যান্ডের কোনো মানে লাইন আপ ঠিক ছিল না,
বাট লাস্টে আতিফ ওটা ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো ওটা সব পুরো হয়ে গেছে সমস্যা নেই আপনার ফেভারিট গানটা কি আতিফ গেয়েছেন হ্যাঁ আদত আদত অল টাইম ফেভারিট আব তো আদত সি হ্যায় মুঝকো এসে জিনে মে হে হে क्राउड भी बहुत ज्यादा है और आतिफ असलम की आवाज जो है ना वैसे ही अच्छा ये इसको इंडिया में भी बहुत लोग चाहने वाले हैं बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान हर जगह जादू है जादू यार इसकी बहुत प्यारी आवाज है बस इतनी सी फैन फॉलोइंग चाहिए बांग्लादेश में सिर्फ इतनी सी बस इसको देना थोड़ी सी फैन फॉलोइंग यही ड्रीम है बस इतनी सी फैन फॉलोइंग मिल जाए ना उस जैसी आवाज भी लेके आओ ना फिर आवाज मेरी मिलती जुलती है पाटे टोल जैसी है आपकी आवाज ठीक है वो एक प्रोफेशनल लेकिन यार लोगों का हुजूम देखो आप यार आतिफ असलम जहाँ पे भी जाए ना पाकिस्तान में इंडिया में बांग्लादेश में भी ठीक है जहाँ भी जाए आतिफ असलम को चाहने वाले बहुत हैं ठीक है क्योंकि आतिफ असलम के बहुत सारे सॉन्ग जो हैं वो जैसे ये लास्ट सॉन्ग हमने सुना है अब तो आदत ही है ये फिल्म है कलयुग अच्छा इन्होंने एक शो भी किया हुआ है सिंगिंग का इंडिया में एक शो किया था इन्होंने अपना ना जिसमें ये थे और हमें इशर शमिया था ठीक है आपदा परवीन थी ठीक है वो जजेस बनी हुई थी ठीक है बट उसमें भी जज के तौर पर एज अ जज भी इन्होंने एक शो किया हुआ है ठीक है सिंगिंग था उसमें मेरे ख्याल पाकिस्तान का लड़का लाहौर का लड़का ना ये ढाका के अंदर हुआ है और ये ढाका यार उन्होंने तो इंतजाम देखो कितना अच्छा किया कैसा सजा दिया एक दफा पूरा अच्छा और ये बेस्ट है कि बांग्लादेशी लोगों ने बता दिया कि पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं हां ये चीज है मेन कि उन्होंने अच्छा देखो उन्होंने वेलकम भी बहुत प्यारा किया और आने का मतलब भी उनका ये है कि यार हमारा वेलकम हो गया आप लोगों को हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बट आतिफ असलम ने भी मेरा ख्याल है कि किसी की डिमांड को रद्द नहीं किया ठीक है क्राउड में से अच्छा एक होता है ना क्राउड में से किसी बंदे ने रिक्वेस्ट की क्राउड में से थोड़ा सा वो गाना गाते हैं आगे आतिफ असलम यार आपने देखा नहीं है कि उन्होंने तो आपने देखा नहीं कि कोई इतनी सिक्योरिटी टाइट नहीं थी कि जो मर्जी स्टेज पे आके उनसे मिल लेता हां स्टेज के ऊपर आकर वाम उनको मिल लेती थे वो इतना प्यार कर रहे थे अच्छा उन्होंने ये सबसे अच्छा किया कि उन्होंने रात का फंक्शन रखा क्योंकि दिन में ढाका में काफी ज्यादा ना गर्मी होती है जिसकी वजह से रात का और रात को लोग एंजॉय करने के लिए बाहर निकलते हैं ठीक है ऐसा फंक्शन होता भी रात को रात को आता ना यार आतिफ असलम आ रहा है तो रात का घरों में कोई भी नहीं बचा होगा बिल्कुल रात का ये इसलिए होता है ना कि दिन टाइम लोग कई मसरूफ होते हैं कोई काम पर होता है ये कि शाम टाइम सारे रिलैक्स होके फ्रेश होके नहा धोके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए गुड बाय।